कुछ माह पूर्व जिम ट्रेनर लड़की की रोड रेस में हत्या होने के बाद सोलन के काला घाट में एक बार फिर से रोड रेस का युवक शिकार हुआ है। गनीमत ये रही कि वह किसी तरह से अपनी जान बचाने में कामयाब हो गया। फिलहाल युवक गंभीर रूप से घायल है और सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल में उपचाराधीन है। ये घटना तब घटी जब घायल मनीष अपने दोस्त को छोड़कर अपनी गाड़ी में घर आ रहा था तो कोटला में एक अन्य वाहन में कुछ युवक हुड़दंग कर रहे थे। जब मनीष ने उनसे पास मांगा तो वह मारपीट पर उतर आए और एक युवक ने पत्थर उठाकर उसके सिर पर वार कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया और मनीष खतरे को भांप गया और अपनी गाड़ी छोड़कर वहां से अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब हो गया। उसने इसकी सूचना अपने परिवार को दी और पुलिस को भी सूचित किया। जैसे ही वापसी आ रहा था मोनू को छोड़ के, रास्ते में दो लड़कों ने मार कुटाई की, गाड़ी साइड में नहीं लगाई उन्होंने, अपनी गाड़ी निकाली नहीं, फिर उन्होंने बहसबाजी करी, उसके बाद उन्होंने धक्का मुक्की की, पीछे को धक्का मारा, फिर भी नीचे गिरा उन्होंने पत्थर के साथ, मेरे को बार बार पत्थर से मारते रहे। मैं वहाँ से छूट के भागा, जैसे ही भागा मरे मैं दूसरे के घर में गया मरे, फिर उन्होंने पट्टी वगैरह की और फिर सोलन के लिए भाई को फोन किया, फिर वो लेने आए मेरे को। अधिक जानकारी देते हुए जांच अधिकारी जगदीश ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और जगह जगह पूछताछ की जा रही है। मनीष कुमार गांव छंडूली से अपने घर आ रहा था तो जब करीब समय रात को 10:15 बजे ये कोटला के पास पहुंचा तो दो अज्ञात लड़कों ने इसके साथ थप्पड़ मुको से मार पिटाई की है, जिससे इसके सिर में चोट आई है और इसका इलाज सोलन अस्पताल में भी जारी है। इस पर मुकदमा दर्ज हो गया है तथा इसमें तफ्तीश अभी की जा रही है।